चलिए इनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे और क्या उनके मुख्य डिमांड्स हैं, क्या इनसे चाहते हैं। सर सबसे पहले लाइव न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आज जितने भी जो डॉक्टर्स हैं आज स्ट्राइक्स में है, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है और आज आप इस तरह से आए, क्या आपके मुख्य डिमांड्स हैं? देखिए, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आज स्ट्राइक पे आए हैं जी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो मरीज हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं उन्हें असुविधा हो, लेकिन हमें मजबूरन स्ट्राइक पे आना पड़ा। इस स्ट्राइक में हमारे साथ जो है हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वेटनरी ऑफिसर्स हैं, डेंटल मेडिकल ऑफिसर्स हैं, और जो हमारे मेडिकल कॉलेज के टीचर एसोसिएशन वो भी हैं, और आरडीए के जो डॉक्टर्स हैं वो भी एसोसिएशन इस स्ट्राइक में हमारे साथ है जी। और जो ये जो स्ट्राइक है, ये आपको जैसे मालूम ही होगा कि अभी जो पे कमीशन सरकार ने लागू किया है उसमें कुछ विसंगतियां रही है, जिसके खिलाफ हमारे जो स्टेट एसोसिएशन है, जो हमारी संघर्ष समिति बनी है, चुक्स संघर्ष समिति, उन्होंने सरकार को डिमांड भेजा था कि कुछ इसमें विसंगतियां उनको दूर किया जाए, लेकिन सरकार ने उस पर कोई विचार नहीं किया, तो मजबूरन हमें उसके विरोध में हमें आज 2 घंटे की पेंट स्ट्राइक में हमें आना पड़ा है। तो आपकी क्या सरकार से कभी बात हुई है इस बारे में, अपने जो आपकी डिमांड से आप किसी से मिले हैं, या स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात करें उनसे अपने जो डिमांड से आपने रखी है उनके सामने? हाँ जी, बिल्कुल जो हमारी स्टेट कार्यकारिणी बनी है उन्होंने डिमांड चार्टर दिया था सरकार को, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई बुलावा नहीं आया गया है, और जो विसंगतियां वो अभी वैसे ही रखी है। तो मुख्य बिंदु क्या क्या है, एक बार फिर से आप बता दीजिए, चाहे वेतन को लेकर है, चाहे एनपीए है जो आपका, क्या क्या आपके जो मुख्य डिमांड्स हैं? जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि अभी तक जैसे जो पंजाब का वेतन स्केल जो होता था उसको ही हिमाचल प्रदेश में फॉलो किया जाता था, तो अभी इस बार गवर्नमेंट ने जो हमारे को स्केल जो दिया है उसमें कुछ विसंगतियां पाई गई। जैसे कि जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको 56,100 उनका जो बेसिक बनता है उस पर ना लगा के उसके 60% में इन्होंने कहा है कि उनको उसका 60% दिया जाएगा, जैसे कि उसका 60% बनता है 33,600। तो मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों उनको पूरे वेतन मान क्यों नहीं दिया जा रहा है 56,100, प्लस उसमें एनपीए भी मिलना चाहिए। दूसरी बात है, जैसे कि हमारा जो एनपीए घटाकर 25% से 20% किया गया है, लेकिन उसमें भी क्या किया गया, जो हमारे जो पे स्केल की जो सीलिंग होती है पंजाब वेतन मान के हिसाब से 2,37,600 बनती है, लेकिन हमारे प्रदेश में उसको घटा दिया गया, उसको 2,18,600 किया गया है। क्यों उसको सरकार के पंजाब के इक्विवेलेंट क्यों नहीं रखा गया? फिर हमारी एक और डिमांड है, जैसे जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको जो 4,914 का स्केल मिलता था उसको भी सरकार ने रोक दिया गया है। आपको जैसे मालूम ही होगा कि डॉक्टर जो है 15-15, 20-20 साल से एक ही पोस्ट में कार्यरत रहते हैं, हमारे को जो प्रमोशनल एवेन्यू बहुत कम है, तो हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि 4,914 का जो उन्होंने रोका है उसको रिस्टोर किया जाए, और जो हमारे को जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो पीजीएल समय दिया जाता है कई सालों से 7,000 और 3,500 दिया जा रहा है, तो हमारी डिमांड है कि उसको भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो सर, आपको नहीं लगता है कि आपके स्ट्राइक पर जाने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि लड़ाई आपकी सरकार के साथ है? देखिए, हमारा और जो मरीज का रिश्ता है वो दुखों का रिश्ता है। मरीज जब भी दुखी होता है हमारे पास आता है, और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारी वजह से मरीज दुखी हो, लेकिन हमने इसके लिए अपनी जो इमरजेंसी सेवाएं से सुचारू रखा है, और हम मरीजों से भी आग्रह करते हैं प्लीज़ हमारे को सहयोग करें, क्योंकि अगर डॉक्टर को सम्मानजनक वेतन नहीं मिलेगा तो हम खुशी खुशी कैसे कार्य करेंगे? आप लोगों के भी बच्चे होंगे जिन्हें आप लोग डॉक्टर बनाना चाह रहे होंगे, तो आप अगर वो डॉक्टर को अच्छा सम्मान वेतन नहीं मिलेगा तो लोग डॉक्टर ऑप्ट नहीं करना चाहेंगे इस प्रोफेशन को। अगर लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे तो हमारी स्वास्थ्य सेवा का ध्यान कौन रखेगा? हम पब्लिक से भी अपील करते हैं कि हमारा थोड़ा सहयोग करें, जो हमें कष्ट है हम हमारी तरफ से जो आपको कष्ट पहुंच रहा है उसे हम आप क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारी जो एमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं हमने वो सुचारू रखी हुई है। डॉक्टर साहब, आगे का क्या रहेगा कि अभी पेंडाउन स्ट्राइक आपका है, कब तक यहाँ पे चले रहेगी, और उसके बाद क्या आपका अगला आंदोलन रहेगा, क्योंकि काफी टाइम से जो है आप डिमांड से कर रहे हैं सरकार के साथ? बिल्कुल देखिए, हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारी हमें तुरंत बुलाया जाए, और जो हमारी जो हमें डिमांड है जेन्युइन डिमांड है इस पर विचार किया जाए। अगर ये नहीं मानी जाती है तो अभी जो स्टेट कार्यकारिणी है उनके तरफ से हमें आदेश आया कि हमने अगले 7 दिन तक हम 2 घंटे का पेंडाउन स्ट्राइक रखेंगे 9:30 से 11:30 बजे तक। अगर उसके बाद भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर स्टेट जो कार्यकारिणी बनी हुई है वो डिसाइड करेगी कि अगली रणनीति क्या रहेगी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। तो ये थे मुख्य डिमांड जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जो है पंजाब के स्किल की तर्ज पर जो है इन्हें भी यहाँ पर दिया जाए, जो वेतन मान यहाँ पर दिया जाए। तो ये तस्वीरें आपने देखी है हिमाचल प्रदेश की DDU अस्पताल के बाहर से, जहाँ पर जो डॉक्टर है यहाँ पर जो स्ट्राइक पे गए है, पेंडोल स्ट्राइक ही है, 2 घंटे की ये स्ट्राइक है, जिसके कारण
डिमांड करें, तो ऐसी जो डिमांड को लेकर ये पेन डाउन स्ट्राइक, यानी कि 7 दिन तक तो इसी तरह की पेन डाउन स्ट्राइक है। तो आपको बता दें कि ये जो स्ट्राइक है ये 7 दिन तक चलेगी, और ये पेन डाउन जो स्ट्राइक है ये 9:30 से 11:30 तक है। इनका ये कहना है कि जो पंजाब पे वेतन है उसके ऊपर इनकी डिमांड है, उसको पूरा किया जाए। उसके कारण ये मुख्यमंत्री से भी मिले हैं और उनके द्वारा जो आश्वासन उनको मिला है, लेकिन इनका कहना है कि जिस तरह से ये पेंडम स्ट्राइक चली हुई है और इसके कारण जो इमरजेंसी सेवा है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए फर्स्ट स्टोरी मीडिया।